कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह के 7 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना नॉर्मल पानी, जो कि मैं सुबह ही लेती हूँ ना मॉर्निंग में, एप्पल साइडर विनेगर डालकर। पहले मैं ना इसको नॉर्मल लेती थी जब तक मैं विनेगर नहीं लेती थी, लेकिन जब से मैं विनेगर ले रही हूँ तो मैं ना सुबह में इसमें ही डाल लेती हूँ और बस इसको ही बैठ कर पीती हूँ। और बहुत लोग ना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा विनेगर ले, कौन सा बेस्ट है। तो गाइस, आप ना कोई सा भी ले सकते हो, सब काम वही करेगा जो ये वाला करता है। मेरा तो ये पतंजलि का है, पतंजलि का भी ले सकते हो। और ये ना इसके रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप ये वाला लेते हो तो ये शायद 130 ये जाने 40 का था, तो बस आप यही वाला लोगे तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए गाइस, मैंने अपना बैठकर पानी पी लिया है और बस मैं लगा लूँगी पहले हल्की फुल्की सी झाड़ू, जो सुबह में बासी झाड़ू लगती है ना, तो बस वो वाली झाड़ू लगा दूंगी मैं और फिर जाके मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगी। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, ये तो सुबह ही चले जाते हैं उठकर, तो बस ये भी चले गए हैं और बस मैं झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी। अभी तो बस ऐसा है कि नीचे नीचे लगाया है, अभी कोई भी संगवा के झाड़ू नहीं लगाई है, लेकिन ये वाली झाड़ू लगानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है घर में, इसको बासी झाड़ू बोलते हैं। तो देखिए गाइस, झाड़ू मैंने लगा ली है और बस मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी, जो कि आजकल मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यही वाली करती हूँ और फिर ये हाथों के लिए करती हूँ, और ये ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 10 से 15 मिनट ही लगती है इन सब एक्सरसाइज में। 5-6 एक्सरसाइज करती हूँ मैं और फिर मैं जाके लेट के करती हूँ, और बैठ के जो योगा होती है थोड़ी बहुत देर योगा करती हूँ। और ये सब ना मैंने अभी स्टार्ट किया है 2-3 दिन से, मैंने पहले से कोई एक्सरसाइज योगा नहीं की है। देखिए गाइस, सुबह सुबह पार्सल भी आ गया है। गोलू ने ना कुछ मंगा रखा था और ये देखो एकदम उठ गया सो के। चलो देखते हैं खोल के क्या है इसमें। वापिस नहीं होने का बेटा, अगर कुछ वैसा वैसा होगा तो। कलर बॉक्स मंगाया था ना, कलर बॉक्स है पूरी कलर किट। वो कह रहा है सुबह सुबह पार्सल आ गया। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह कौन आ गया पार्सल लेके, क्या होगा इसका देखना कितनी सी ड्राइंग है, हैं? क्या क्या दिखाया था उसमें जब तूने ऑर्डर किया था? उसमें तो दिखाया भी नहीं था, एक्स्ट्रा है। 5 रुपए की एक्स्ट्रा देके खुश हो गया तो कलर ये पेंट है, कलर ब्रश एक सेट ये है, कलर ब्रश का देखो ये डार्क डार्क पेंसिल, और ये मोम कलर है। ये कौन सा कलर है? पेंटिंग कलर। ये वाले पेंटिंग कलर है। बस देखने में तो इतना भारी लग रहा था, ये पता नहीं क्या क्या होगा इसमें। ये क्या है? ड्राइंग फाइल। इसमें ड्राइंग, इतने से में क्या क्या ड्राइंग बनेगी? ये क्या है? पेंसिल। ये पेंसिल है, पागल है उसका मूड ना खराब करे सुबह सुबह। अभी उठाते रहते थे, उठता है ना बेचारा। ले रख चल, अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, मेरा पानी हो गया। ये स्केल आई है, इसमें दिखाना इसमें क्या है। ऐसे ही रखने हैं अपने कलर किए और संगवा के रख दिए, थोड़े दिन का सो के फिर पड़े रहेंगे इधर उधर। कितनी छोटी छोटी सी ट्यूब है रही है, इतनी आती है, इतनी आती है, क्या होगा इसमें? हटाओ तो, चलो जल्दी मेरा पानी हो रहा है, लो संगवा के रख दो। नहा लेती हूँ मैं, रखो ऐसे ही जैसे थी ना पैकिंग, ऐसे ही रख दो। देखिए गाइस, नहा ली हूँ मैं और पूजा भी मैंने कर ली है, और मैंने लगा दी है बाहर मशीन। आज मुझे कपड़े भी धोने थे, मैंने कहा चलो पहले मशीन लगा देते हैं, और मैं ना सुबह ही लगा देती हूँ मशीन भी, क्योंकि साथ साथ में कपड़े भी धुलते रहते हैं बाहर और मेरा अंदर का भी काम चलता रहता है, तो बस मैं मशीन लगा देती हूँ बाहर
और फिर मैं अपने अंदर चले जाती हूँ, तब तक मैं अपने अंदर का काम करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ आज बना रही हूँ सौंफ का पानी। आज मैंने सौंफ का पानी लिया था सुबह में, और बस पानी पीने के बाद ये हो गया है नाश्ते का टाइम। एक घंटा बाद नाश्ता करती हूँ जैसे कि मैं, तो बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ, चाय और बंद। और बस मेरा तो यही रोज़ का, आजकल मेरी ना मूसली ख़त्म हो रही है तो बस मैं फ्रूट ही खाती हूँ, तो बस ये फ्रूट खा लिए हैं। और देखिए गाइस अब मैं सीधा मिल रही हूँ दोपहर में, यह है दोपहर का लंच। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो कुछ रखा था बस वही बना दिया है, जल्दी में थी क्योंकि हमें ना कहीं जाना था, तो बस खाना खाया जैसे ही मैं निकल गई थी घर से एकदम। आओ आओ तेरा। तो गाइस 2:30 बज गए हैं और मैं घर आ गई हूँ, और मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी। खाना खाकर बस तुरंत ही निकल गई थी ऐसे ही, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बस आधा पौन घंटा लगा है आए और गए, और बस थोड़ा सा टाइम लगा है। तो जल्दी ही आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, आप भी प्रे करो कि हम जो भी कर रहे हैं जल्दी से हो जाए हमारा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं पीती हूँ ग्रीन टी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम में। तो देखिए गाइस शाम का टाइम हो गया है। 2-3 कपड़े ना मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि पैंटें गीली हो रही थी, और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि यहाँ ना 2-3 कपड़े गिर गए थे और बिल्कुल भी नहीं उतर रहे थे। तो बस कैसे कैसे करके मैं उतार रही थी डंडे से कि नीचे सड़क में चले जाए, वहाँ से उठा लेंगे। इधर टीन डली है ना, गायें बांधती है आंटी, तो उसके चादर पर गिर गई थी। तो बस बहुत कोशिश कर रही थी निकालने की, निकल ही नहीं रहे थे। रोक दो, ना करूं सूट कैसे उतरेगा ना, सूट कैसे उतरेगा। नीचे रख दिया मशीन पे, आ रही मैं मशीन पे रख दिया। शाम के ना 6 बज गए हैं और 2-3 पैंटे थी तो बस मैं वो उतार के ले आई, और चादर गिर गई थी एक, और एक मेरा सूट। चादर तो उतर गई लेकिन सूट नहीं उतरा है, उसको देखेंगे कैसे उतारेंगे। तो बस अभी पहले मैं ज्योत बत्ती करूँगी शाम की, और फिर जाके मैं खाना बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनेगा शाम के खाने में। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर, बच्चों को भी बुलाती हूँ अंदर। कपड़ों की तह नहीं बनाई है, सो गई थी तो बहुत अच्छी नींद आई, फिर उठा ही नहीं गया। तो बस अभी अपनी किचन भी समेटूँगी और फिर जाके मैं सबसे पहले ज्योत लगाती हूँ, फिर जाके और काम करूँगी। तो जी ज्योत बत्ती मैंने कर दी है और यहाँ हो रही है खाने की तैयारी। लौकी की सब्जी बनाने वाली थी लेकिन बच्चों को ना लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोलने लगे मम्मी हम लौकी नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो लौकी के कोफ्ते बना देती हूँ। और गाइस मैं ना 9 फास्ट नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ 2 रखती हूँ, एक आगे का और पीछे का। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि नवरात्रे लग गए हैं, लहसुन प्याज तो अब डलेगा नहीं है, तो बस मैंने 2 टमाटर मिक्सी में पीस लूँगी और बस यहाँ पे मैं घोल बना लूँगी। उसमें ही मैंने बेसन डाला और नमक मिर्च डाल के बस थोड़े से बना रही हूँ। मैंने कहा चलो शाम हो जाए, लौकी तो और भी थी, 2 लौकी थी तो मैंने ना छोटी लौकी के बना दिए थे। मैंने कहा चलो बड़ी जो लौकी है उसकी कल सब्जी बन जाएगी, क्योंकि कोफ्ते ना छोटी सी में भी हो जाते हैं। तो देखिए गाइस कढ़ाई चढ़ा दी है एक तरफ और मसाला पीस लिया है मैंने, और मैंने ना इसी कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। मैंने कहा एक ही कढ़ाई हो जाएगी, इसी में फ्राई भी कर लूँगी, इसी में सब्जी भी छोंक दूँगी, तो इस वजह से ना थोड़ा तेल डाला था, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा तेल डालना पड़ता है। तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़े थोड़े करके उतार लूँगी, थोड़े से तो मुझे बनाने थे ही। तो देखिए गाइस एक तो घान मैंने निकाल लिए हैं और बस एक और हैं। तो देखिए गाइस सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और मैंने ना इसे थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि ये ना ठंडी होने पे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है,
और फिर सब ना तरी तरी मांगते हैं, ये ना कोफ्ते कम पसंद करते हैं, तरी से ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसमें और इधर बन रहे हैं मेरे चावल। तो देखिए गाइस, मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, थोड़े से चावल लिए हैं बिल्कुल, एक रोटी और अचार। तो गाइस मुझे कमेंट आ रहे थे कि क्या एक बाइट को 32 बार चबाना है क्या, तो हाँ डियर, एक बाइट को 32 बार चबाना है। तो देखिए कैसे आपको 32 बार में खाना खाना है, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं, बहुत ही छोटे से कम एक रोटी में से 16-17 टुकड़े, 18 टुकड़े हो जाने चाहिए। जैसे मेरी ना रोटी बड़ी रहती है तो मेरे ना 17-18 टुकड़े होते हैं, और इसको इतना चबाना है। देखिए मैं कितना चबा रही हूँ, मेरा ना 32 बार से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ना बहुत अच्छे से टाइम लगाकर खाना खाती हूँ, आपको ना कम से कम 20 से 25 मिनट लगाने हैं, अगर आप और ज़्यादा ही लगाते हो तो अच्छा है। और चावल को भी आपको ऐसे ही खाना है, बहुत ही थोड़े थोड़े से चावल लेकर उसको भी 32 बार चबाकर खाना है। तो देखिए गाइस, ये एक घंटे के बाद है मेरी मैजिकल ड्रिंक, तो मैं बस मैजिकल ड्रिंक पीकर अब रेस्ट करूँगी। और चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।